नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। कोंडागांव विकासखंड के संकुल केंद्र फुक्का गिरोला अंतर्गत प्राथमिक शाला नेतामपारा में बच्चों से विद्यालय में गिट्टी ढुलाई का कार्य कराया जा रहा है। विद्यालय में तैनात प्रधानाध्यापक द्वारा आए दिन बच्चों से कार्य कराया जाता है, तो वहीं जब हर खबर न्यूज की टीम पहुंची तो बच्चों से बाल्टियों से गिट्टी ढुलाई का कार्य कराया जा रहा था। विद्यालय में पढ़ने आ रहे बच्चे एक जगह से गिट्टी बाल्टी से उठा करके दूसरे जगह पर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल के प्रधानाध्यापक का बुद्धराम नेताम द्वारा आए दिन विद्यालय में छात्रों से कार्य कराया जाता है। ये वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग के कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जिन बच्चों के हाथ में किताब होनी चाहिए वो बच्चे ढुलाई का कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरा नाम बुद्धराम मरकाम है। मैं नेतामपारा दनपुर का मैं यहाँ प्रधान अध्यापक हूँ। यहाँ जो है ना, अभी यहाँ लंच के बाद यहाँ जो है ना गिट्टी है सर, उसको जो है ना वो साफ करवा रहा था सर। जो ये काम है सर, जो गिट्टी है इसको दूसरे से भी काम आप ले सकते हैं। ये सामने बच्चे आ रहे थे, इसीलिए जो है ना वहाँ पाठो बोल के मैं बोला। फिर ये छोटे छोटे बच्चों से काम क्यों लिया जा रहा है? नहीं, तो वैसे तो है, इनको पढ़ाई के लिए यहाँ भेज रहे थे। हाँ, फिर इनसे काम क्यों करवाया जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं है। वो लंच के द्वारा जो है ना इनको बच्चों को काम करवाया गया है, कोई गलती नहीं है। नहीं सर, ये काम गलत है ना सर। हमारे साथ और भी टीचर है, इनसे जाएंगे आखिर इनसे काम क्यों लिया जा रहा है। नहीं तो सर बताए सर, जो छोटे बच्चे हैं सर, माँ बाप हैं, जो इनको यहाँ पर पढ़ाई के लिए भेजा गया है, आप इन छोटे छोटे बच्चे से सर काम क्यों ले रहे हैं सर? तो क्या है ना, ये छोटी छोटी गतिविधियाँ है सर, इससे क्या है, अगर बच्चे यहाँ पे गिर जाते हैं, आप बाल्टी में देख रहे हैं कि बाल्टी में भर भर के बच्चे ले जा रहे हैं, अगर उस बीच में कुछ हो जाता है सर, जिम्मेदारी कौन लेगा सर? बताइए, अपने से कर रहे थे हम लोग, तो मना किए, जाओ जाओ बोले, नहीं मान रहे तो क्या कर सकते। नहीं सर, अगर कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन रहेगा? वैसा कुछ नहीं है, नहीं सर, अनहोनी को कोई नहीं जानता। अभी वर्तमान में आपने सुने होंगे सर, ये कोंडागांव जिले की घटना है, जो एक बच्चे से काम लिया जाता उनकी मौत तक हो चुकी है। ऐसे में अगर कोई बच्चे गिर जाते हैं और उनको अनहोनी कुछ हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन रहेगा? आपका सही है कहना, लेकिन क्या है, लेकिन बच्चे लोग हर खबर छत्तीसगढ़ के लिए इसेंद्र पटेल की न्यूज। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। सत्य सनातन की शोभा है जो भारत के कण कण में रचने बसने वाला एक नाम, आगमन से जिनके दिवाली बन जाती है वो शाम, चरणों में जिनके हैं पवित्र धाम, हम सब के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम के दर्शन मात्र से ही धन्य हो जाता है जीवन, प्रफुल्लता और उमंग से भर जाता है तन मन। प्रभु के दर्शन की लालसा हर किसी को है, पर कुछ ही होते हैं जिनकी ये लालसा पूरी होती है। पर अब ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ के दुलरवा बेटा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 2.5 करोड़ परिवारजनों को प्रभु के दर्शन कराने की जिम्मेदारी ली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और अपने वादे के अनुरूप मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की जनता को दिया है श्री रामलला दर्शन योजना की पुनित सौगात। 2.5 महीने के अल्प समय में ही पूरे होते वादों में से एक, श्री रामलला के दर्शन का वादा भी हो रहा है पूरा। छत्तीसगढ़ शासन की श्री रामलला दर्शन योजना अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों को निशुल्क अयोध्या राम मंदिर का दर्शन कराया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश के अलग अलग स्थानों से
आस्था स्पेशल ट्रेन के जरिए राम भक्तों को अयोध्या धाम भेजा जा रहा है। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, वहां रहने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते और खाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। पूरी यात्रा के दौरान टूर एस्कॉर्ट, सुरक्षा कर्मी और चिकित्सकों के दल की भी व्यवस्था की गई है। मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन, होंगे सभी को प्रभु श्री राम के दर्शन। डोंगरी गांव रहता हूँ, जिला गरियाबंद। मैं यहाँ खेती किसानी करता हूँ, तेंदू पत्ता भी तोड़े ले जाता हूँ। तेंदू पत्ता संग्रहण करके अपन बिक्री कर देता है। पहले एक रेट निर्धारित रही से 4,000, अब 1500 बढ़ा के 5,500 कर दे है, जेमा अपन 1500 प्रॉफिट होते। प्रति बोरा हमला 4,000 मिला रही से, अभी 5,500 कर दे है। हमला 1500 रुपया ज्यादा मिल ही, होकर से हमन अपन नाती पोता मन के पढ़ाई लिखाई में खर्चा करबो। हमला फायदा है, हमार बाल बच्चा से घलक हमला फायदा है, तो कहीं कुछ अपन 4 पैसा बचा सकबो। सरकार हमला अच्छा से उन्नति करे बर ज्यादा बढ़ा दे थे। अब तो पहले से ज्यादा पैसा मिलते और बचत भी हो। अब पहले हमारे हाथ में पैसा नहीं बचत रही से, अब हमारे हाथ में थोड़ा बहुत पैसा बाँची तो हमारे परिवार पर हमन थोड़ा बहुत सोच सकता। सरकार हर घोषणा करे है भाई तेंदू पत्ता के बढ़ा जाए, हाँ उकर से हमारा बहुत फायदा होते। उकर से अन्य सामान खरीद सकथन, अपन किसानी के लिए खातू कचरा भी कर सकथन। एकर से हमार रोजी रोटी अच्छा चल ही और हमारे किसानी करे में मैं प्रोत्साहन मिलते है। ये विष्णु देव सरकार के आए बाद में हो पैसे, एक लिए विष्णु देव साय जिला बहुत बहुत धन्यवाद और नरेंद्र मोदी जिला भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बात का सचिव विष्णु सरकार है, तो कर लिए हमार बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री ला बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारे बारे अच्छा से सोचे हैं। एक लिए हम मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ला बहुत बहुत धन्यवाद दे। 1500 बढ़ाए से मतलब बहुत फायदा हुई से, 4 पैसा बची हमारे, ओकर लिए हमार सरकार ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे हूँ। एक लिए विष्णु देसाई सरकार ला बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनिल सोनकर। छत्तीसगढ़ में जैसा कि आप सभी को पता है, सम्माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का सरकार ट्रांसपेरेंसी की सरकार आ चुकी है। जब से विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है, तब से मुझे ऐसा लगता है इस प्रदेश में भ्रष्टाचार अधिकारियों का एक अंकुश सा लग गया है। यहाँ पर पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार गतिविधियाँ बढ़ी है, जिससे कि विष्णुदेव साय जी की सरकार ने आधुनिक तकनीकी रूप को अपनाते हुए हर प्रक्रिया को ऑनलाइन करने, जहां तक संभव हो ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। ऑनलाइन में सबसे बड़ी सुविधा होती है कि पब्लिक को परेशान नहीं होना पड़ता, अधिकारियों के पास नहीं जाना पड़ता, इससे रिश्वत खोरी और दूसरे तरह के काम में अंकुश लगती है। ऑनलाइन परमिट से यह होगा कि पारदर्शिता रहेगी, जो भी ऑनलाइन इसके परिवहन के ठेके होंगे सब ऑनलाइन रहेगा, उसमें साफ साफ दिखेगा कि किस परिवहन को कंपनी को यह ठेका मिला है, तो उससे परिवहन की जो पारदर्शिता साफ रहेगी और इससे अवैध कोयला की जो कालाबाजारी होती थी उस पर पूर्णतः रोक लग जाएगी। यहाँ पर भ्रष्टाचारियों को नकेल को कसने के लिए जो नए सिस्टम जो लागू हुए हैं उनका पूरा समायोजन करके भ्रष्टाचारियों के गिरेबान तक जाकर उनका गिरेबान पकड़कर उनको सजा देने के लिए एक एक दिन के लिए भी उनको चैन से रहने नहीं दिया जाएगा। और इस सरकार में पूर्व में जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उनका एक एक चीज को निकालकर उन्हें जेल के पीछे पहुंचाने की यह सरकार वचनबद्ध है, जिसके लिए हम सभी विष्णुदेव सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। विष्णुदेव जी को और मोदी जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसलिए मैं विष्णुदेव साय जी सरकार जी का धन्यवाद देता हूँ और वह छत्तीसगढ़ के प्रदेश की जनता के लिए हित के लिए काम कर रहे हैं। हरियाणवी अब हर घर
हर नल से शुद्ध जल पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉनस्टॉप हरियाणा। राजिम बहुत ही पुरानी ऐतिहासिक धार्मिक नगरी है। इसका पुराना नाम कमल क्षेत्र पद्मावतीपुरी राजिम था। राम भगवान जी लोग जो वनवास में आए थे उस दौरान सीता माता अपने हाथ से बालू से देव से शिवलिंग नहीं मानते था। इसका नाम आज कुलेश्वर महादेव है। यहाँ पर महानद के साथ त्रिवेणी संगम हो रहा है तो सच में त्रिवेणी संगम है। जहाँ पर कोई लुप्त नदी नहीं है, तीन नदियों का संगम है। वहाँ पर राजीव लोचन विष्णु जी का, शंकर जी का मंदिर देखकर पुरानी शैली में मैं बहुत भावुक हुआ हूँ। इस बार छत्तीसगढ़ सरकार राजिम कुंभकल्प करने जा रही है, बहुत ही सराहनीय है। यहाँ पर फिर से राजिम कुंभकल्प का बहुत शानदार आयोजन 24 तारीख से 8 मार्च तक होना है। मेले की तैयारियाँ बहुत जोर शोर से चल रही है जो मैं देख रहा हूँ। यहाँ बड़े बड़े महामंडलेश्वर, शंकराचार्य जी, संत साधु महात्माओं का इस पवित्र भूमि पर आगमन होगा। लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में राजिम मेला में लोग विदेश से भी, देश से भी, प्रदेश से भी आने वाले हैं और इसके लिए बहुत भव्यता के साथ तैयारी पूरी हो चुकी है। राजिम कुंभ जैसे आयोजन ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत को सहेजने हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कदम है और सरकार का जो कार्य है प्रशंसनीय है और हम उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। वर्तमान सरकार को मैं और मेरे जैसे यात्रियों की ओर से बहुत धन्यवाद कि जो ऐसे यहाँ कुंभ मेला का आयोजन कर रही है। बहुत अच्छा आयोजन है। ये जो माघी पुण्य मेला से लेकर कल्प कुंभ तक के, इसके लिए बिल्कुल छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री और माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ को नया राज्यपाल मिला है। रमेन डेका नए राज्यपाल बने हैं जिनका शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है, देखिए। भारत गणराज्य के 75वें वर्ष में आज सन 2024 ईस्वी के जुलाई मास के 27वें दिन 5 श्रावण 1946 शक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में दिया गया हस्ताक्षर द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति। By virtue of the power vested in me by Article 155 of the Constitution of India, I, द्रौपदी मुर्मू, President of India, hereby appoint श्री रमन डेका to be the Governor of Chhattisgarh with effect from the date he assumes charge of his office, given at राष्ट्रपति भवन New Delhi, this 27th day of July in the year 2024, 5th Shravan 1946 Shaka, in the 75th year of the Republic of India, signed Draupadi Murmu, President of India. माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, आपसे निवेदन है कि कृपया मनोनीत राज्यपाल महोदय को शपथ ग्रहण कराएं। I do swear in the name of God, Ramen Deka, do swear in the name of God, that I will faithfully execute the office of Governor of Chhattisgarh, that I will faithfully execute the office of Governor of Chhattisgarh, and will do the best of my ability preserve, and will do the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Chhattisgarh, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Chhattisgarh.
राज्यपाल महोदय, क्या मुझे आज का कार्यक्रम समाप्त घोषित करने के लिए आपकी अनुमति है? महोदय, आज का यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। माननीय राज्यपाल महोदय गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करके पुनः यहां पर उपस्थित होंगे, कृपया कुछ देर इंतजार करें। आप सभी से निवेदन है, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। गार्ड ऑफ ऑनर के पश्चात माननीय राज्यपाल महोदय के आगमन पश्चात आप सभी क्रमबद्ध तरीके से उनसे मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।